जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, एक वीडियो में ऑडियो का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपके पास 64-48 मेगापिक्सल का कैमरा है, आप एक अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहीं पे एक अच्छा ऑडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो वीडियो यूजलेस हो जाता है। इसलिए मैं एक बजट फ्रेंडली माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये बोया का लेवेलियन माइक्रोफोन होने वाला है और ये बिल्कुल आपके बजट में आने वाला है, क्योंकि इसका प्राइस जो है 700-800 के प्राइस रेंज में होता है और ये इसका परफॉर्मेंस इसके प्राइस से बहुत से ज़्यादा उमदा होता है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं प्रेजेंटली, वो इस माइक्रोफोन से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में आगे चलते हुए जो आप अनबॉक्सिंग का ऑडियो सुनने वाले हैं, वो मैंने अपने हेडफोन के माइक से रिकॉर्ड किया, तो डिफरेंस आप इजीली फिगर आउट कर पाएंगे। इस चैनल में अगर आप नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं, ये बोया माइक का बॉक्स का फ्रंट साइड है, यहाँ पे बोया की ब्रांडिंग, साथ ही में इसका एक फोटो माइक का और यहाँ पे बोया का जो मॉडल नंबर है वो मेंशन किया गया। साथ ही में आपको एक बारकोड स्कैनर मिलता है, जिसे आप स्कैन करके अपना प्रोडक्ट वैलिड है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं, आप पता लगा सकते हैं। अगर बॉक्स की साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको बोया की ब्रांडिंग मिल जाती है, साथ ही में ये किन किन डिवाइसों के साथ कंफर्टेबल है यहाँ पे मेंशन किया गया। फिर स्मार्टफोन, कैमकॉर्डर, DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर, PC एक्सेट्रा के लिए ये डिवाइस कंफर्टेबल है। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये लेवेलियर माइक्रोफोन माइक्रो कैरवेट माइक है। अगर बोया के बॉक्स के पीछे की बात करें तो यहाँ पे कुछ फीचर्स के साथ स्पेसिफिकेशन और साथ ही में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स भी मेंशन किए गए हैं, तो आप वीडियो पॉज करके अगर इन्हें पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए जल्दी से बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। तो बॉक्स के अंदर हमें कुछ ये सामान देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हमें एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, जो कि एक साल का वारंटी कवर करता है, तो इसे आप संभाल के रखें। साथ ही में हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है, जो कि बोया का ओरिजिनल यूज़र मैनुअल है। आप इसे पढ़ के अपने माइक को कैसे सेट करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सीख सकते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ एक्सेसरीज मिल जाते हैं, जो कि हम बोया माइक में यूज़ करने वाले हैं, तो इन्हें भी मैं खोल के आपको सिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे हमें मेन माइक मिल जाता है, जो कि एक प्रीमियम लेदर फिनिश पाउच के अंदर आता है, लेकिन ये ओरिजिनल लेदर है नहीं। तो चलिए हम माइक को बाहर निकालते हैं और देखते हैं ये माइक कैसा है। तो अगर हम माइक को बाहर निकालें तो लग रहा है कि माइक का वायर काफ़ी लंबा है, तो आप देख सकते हैं माइक का वायर काफ़ी लंबा है। और साथ में यहाँ पे माइक को जो वायर में बांधा गया है, उस स्ट्रैप में बोया की ब्रांडिंग दी गई है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और वायर काफ़ी ही लंबा है। और यहाँ पे एक आपको बीच में एक एम्पलीफायर टाइप का देखने को मिल जाता है, जिस पर भी बोया की ब्रांडिंग की गई है। और यहाँ पे कुछ स्विचेस नज़र आ रहे हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये स्विचेस कैमरा ऑफ और स्मार्टफोन मोड में आप सेट कर सकते हैं। अगर कैमरा मोड में आप सेट करोगे तो ये कैमरा से रिकॉर्ड करेगा, स्मार्टफोन मोड में आप सेट करोगे तो ये स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करेगा, और ऑफ में आप सेट कर दोगे ये माइक ऑफ हो जाएगा, ये कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। और यहाँ पे आप खोल के बैटरी भी इंसर्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने अभी आपको दिखाई नहीं, लेकिन एक्सेसरीज में हमें बैटरी भी मिलता है। तो जब आप कैमरा मोड यूज़ करोगे तभी आप बैटरी लगाओगे, आप मोबाइल से यूज़ करते समय, स्मार्टफोन से यूज़ करते समय किसी भी बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके साथ जो एक्सेसरीज मिलते हैं उन्हें हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मैंने पैकेट को फाड़ लिया है, मैंने देख लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक बैटरी मिल जाता है, जो कि आपको अपने माइक में फिट कर देना है। इस बैटरी को जब आप कैमरा यूज़ करेंगे तभी आपको ये बैटरी यूज़ करना है। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक माइक के लिए फॉर्म मिलता है, इस फॉर्म से आपका वॉइस फिल्टर होता है और डस्ट पार्टिकल्स आपके माइक में जाने से बचता है, तो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, इसे भी हम लगा के देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक क्लिप ऑन मिल जाता है, जिसे आप अपने कॉलर से कनेक्ट कर सकते हैं अपने माइक को, आप इसे फंसाने के लिए कहीं भी, ये एक क्लिप टाइप का है, आप इसका यूज़ करके अपने माइक को कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आपको एक बड़ा जैक मिलने देखने को मिल जाता है, जो कि आप घर के बड़े बॉक्स या कोई भी एम्पलीफायर से कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप अपना माइक ले लें, और माइक में जो है ये इस प्रकार से आप इसे धकेल के लगा सकते हैं, तो ये लग चुका है आप देख सकते हैं। अब ये जो क्लिप है, अब हम इसे फिट करने वाले हैं, तो ये जो गैप है यहाँ पे इसे ऐसे करके आप पुश कर देंगे तो ये फिट हो जाएगा, ये पूरा यूज़ करने के लिए रेडी है। और यहाँ पे जो आप 3.5 mm जैक देख रहे हैं, इसे आप अपने फ़ोन पे या कैमरा पे जहाँ पे भी लगाएंगे तो आपका ऑडियो सीधे यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये बोया का माइक आपको अच्छा लगा होगा। एक्चुअली इसका रिव्यू काफ़ी अच्छा है मार्केट में, आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आप एक न्यू कंटेंट क्रिएटर हैं और आपका बजट कम है तो आप ये माइक खरीद सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर बजट परफॉर्म करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।